इस पर देखिए, ये रहा एक सर्किट और ये रहा ट्रांसफार्मर और ये रहा 100 वाट का एक बल्ब, और हम लोग इस बल्ब को 9 वोल्ट के बैटरी से जलाएंगे। तो अभी आपको जला के दिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो ये जो सर्किट किस प्रकार से बनते हैं आइए देखते हैं। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये त्रिफल आईसी से ये चलता है। तो इसमें से हम लोग ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट या इसपे आउटपुट ले सकते हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से। आप मोबाइल के जो ओटीपी है उसमें से भी आप ले सकते हैं, मतलब मोबाइल के यूएसबी पोर्ट से भी आप लोग आउटपुट में 220 वोल्ट ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अभी इस पर फिट करेंगे। तो मल्टीमीटर पर आप लोगों को शो करके दिखाएंगे कि कितना वोल्टेज इसमें आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अभी बैटरी को लगाएंगे, इस पर लगाने से इसका आउटपुट आएगा। तो पहले हम लोग मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। तो अभी ऑन कर दिया, तो देखिएगा इसको लगाने के बाद ये वोल्टेज आउटपुट पे आएगा। तो देखा आपने, ये आउटपुट दे रहा है। जब भी इसको लगाया है हमने तो आउटपुट पे 220 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो ये सर्किट किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जेएलसी पीसीबी। प्रोटोटाइप का पीसीबी बनाने के लिए जेएलसी पीसीबी में जाके दो लेयर का 10 पीसीबी $2 में मिल जाएगा, फोर लेयर का 10 पीसीबी $15 में मिल जाएगा, सिक्स लेयर का 10 पीसीबी $73 में मिल जाएगा, और $6 में वन पीस स्टेंसिल मिल जाएगा। इसके लिए गर्बर फाइल अपलोड करके थिकनेस, कलर, क्वांटिटी सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर देना होगा। देखिए यहाँ पे 10 पीस ओनली फॉर $2, और 10 दिन के बाद आपके पास पहुंच जाएगा आपके पीसीबी अच्छे क्वालिटी पीसीबी के लिए ओनली फॉर जेएलसी पीसीबी। तो अभी ये सर्किट करीबन कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखिए ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे। एक तरफ देखिए 230 वोल्ट लिखा हुआ है एसी, और दूसरी तरफ लिखा है 12012, ठीक है, और नीचे 2 एम्पियर का। तो हम लोग इसको लगा सकते हैं, तीन वायर है, तीनों वायर को सीरियल वाइज हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो दो साइड पे दो वायर होगा और मीडियल पे रेड कलर का होगा, मतलब मीडियल का जो ज़ीरो है ज़ीरो होगा मीडियल पे। तो हम लोग ठीक तरीके से इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेट हो जाएगा जो कि अच्छे से सेट करना होगा, और ये जो रेड कलर है इसको बीच पे हम लोग लगा देंगे क्योंकि ये ज़ीरो है।
और 12 साइड का जो 12 है वो इस साइड पे हम लोग फिट कर देंगे। तो ये अभी कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लोग अभी त्रिफलो आईसी जो है उसको सेट करेंगे, करके पावर देंगे। तो सर्किट के साथ हम लोग तीनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया, तो अभी पावर का जो कनेक्शन वो भी कर दिया। अभी देखिए त्रिफलो आईसी जो है उसको यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग। तो ये जो आईसी बेस है इसको ठीक तरीके से हम लोग इस पर बिठा देंगे। तो बिठाने के बाद ये सर्किट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर जो इनपुट है, इनपुट पर जब भी हम लोग 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे 220 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आते हैं आप लोगों को दिखाएंगे, अभी मल्टीमीटर को टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे ये 220 वोल्ट आते हैं या नहीं आते। तो इस पर हम लोग वोल्टेज देंगे और इस सर्किट के माध्यम से इस पर ट्रांसफार्मर पे आके ये 220 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये त्रिफलो आईसी से ये चलता है, तो इसमें से हम लोग ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से। आप मोबाइल के जो ओटीपी है उसमें से भी आप ले सकते हैं, मतलब मोबाइल के यूएसबी पोर्ट से भी आप लोग आउटपुट में 220 वोल्ट ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अभी इस पर फिट करेंगे, तो मल्टीमीटर पर आप लोगों को शो करके दिखाएंगे कि कितना वोल्टेज इसमें आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अभी बैटरी को लगाएंगे, इस पर लगाने से इसका आउटपुट आएगा। तो पहले हम लोग मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। तो अभी ऑन कर दिया, तो देखिएगा इसको लगाने के बाद ये वोल्टेज आउटपुट पे आएगा। तो देखा आपने, ये आउटपुट दे रहा है, जब भी इसको लगाया है हमने तो आउटपुट पे 220 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक सर्किट है, इससे हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चला सकते हैं एसी से। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं दूसरे बैटरी से लगा के, आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी देखिए हमने एक एलईडी लगाया है जो कि 220 वोल्ट का है और 9 वोल्ट का बैटरी हम इस पर लगाएंगे तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये ग्लो करने लगा। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, आप इससे घर का कुछ कुछ चीज़ आप जला सकते हैं, सभी चीज़ नहीं जलेगा, ये बहुत ही कम वाट का है। तो अभी आपको दिखाते हैं, इसको खोल के बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं आइए देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी हम लोग सर्किट पे आ गए हैं। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं बहुत ही इजी एक सर्किट है। तो इस पर देखिए हमने 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक इसमें पॉजिटिव दे दिया है और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक 4700 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा दिया। और अभी देखिए एक त्रिफलो आईसी हमने लगाया है, इसका 8 नंबर और 4 नंबर हमेशा पॉजिटिव में हम लोग कनेक्शन करते हैं और एक नंबर को ग्राउंड कर दिया और 2 नंबर को हमने 100 नैनोफैरड का एक कैपेसिटर लगा के, सिरेमिक कैपेसिटर होगा, लगा के ग्राउंड कर दिया। और सेम टू सेम 5 जो 5 नंबर है उसको भी 100 नैनोफैरड का कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया। और अभी देखिए 6 नंबर को 2 नंबर पे कनेक्शन कर दिया और 7 नंबर से 120 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा के 6 नंबर पे कनेक्शन कर दिया और 4.7 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव से 7 नंबर तक हमने कनेक्शन कर दिया। तो ये कनेक्शन करने से 3 नंबर से आउटपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से ये आउटपुट होगा। तो जब भी एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने से देखिए यहाँ से जो 10 के का रेजिस्टेंस होके यहाँ पे बीसी 547 का जो बेस है इसको एक्टिव कर देगा। करने से क्या होगा, ये वाला जो मॉस्फेट है IRFZ44N ये एक्टिव हो जाएगा। होने के बाद वोल्टेज यहाँ से देखिए पॉजिटिव आके यहाँ से वोल्टेज आएगा, ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद जब भी इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होने के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो होने के बाद ये वाला IRFZ44N एक्टिव होने के बाद पॉजिटिव
इसमें से गुजरेगा, ठीक है। तो एक बार इसमें से गुजरेगा, एक बार इसमें से गुजरेगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी होगा। होने के बाद आप देखिए यहाँ से आउटपुट पे हम लोग 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट काम करते हैं, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको समझ में कुछ दिक्कत आई है तो फिर से आप इसको देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।